हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आ गई हूँ फिर से आपके साथ एक न्यू ब्लॉग वीडियो लेकर के। और आप देख रहे हैं पूनम ललित ब्लॉग्स और मैं हूँ पूनम। तो आपको मेरा नाम नहीं पता है, क्योंकि जब भी मैं लाइव ऑन करती हूँ कि आप लोग पूछते हो मेरा नाम क्या है, नाम क्या है, तो मेरा नाम पूनम है और चैनल में भी उसका नाम, मैंने अपना नाम दे रखा है। तो ये देखिए, अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ नहा के। तो अभी मैं अपने बाल कॉम कर रही हूँ और आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरा सेकंड चैनल नहीं देखा है, सारिका एंड स्वर्णिका स्टोरी, तो जल्दी से जाके देखिए। देखिए, ये मेरा चैनल है, ये मैंने साइड में स्क्रीनशॉट दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से भी जाके इस चैनल को देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी से जाइए आप लोग और इस चैनल को देखिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। और ये देखिए, अभी मैं आ गई हूँ बाहर, जो चटाई मेरी थी बिछी हुई, मैं वो समेट के आ गई हूँ और अभी आ गई हूँ वापस से अंदर वाले रूम में। और अक्षु हमारी सो रही है, तो अभी मेरे ब्लैंकेट वगैरह थे वो मैं सारे समेट रही हूँ। और हस्बैंड जा चुके हैं और सारिका भी स्कूल चली गई है। और उसके बाद मैं आज नहा ली थी जल्दी, उसके बाद मैं काम करने, क्योंकि ना काम करने लग जाती फिर ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना, इसलिए फिर, और फिर रक्षु भी उठ जाते, इसलिए मैंने आजकल ना सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं काम करना शुरू करती हूँ। तो देखिए, मैंने ब्लैंकेट सारे समेट दिए हैं और आप लोग बने रहे हमारे ब्लॉग में, प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और ये देखिए, अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लेकर के और मैं लगा रही हूँ झाड़ू अंदर वाले मंदिर वाले रूम में, मैं लगा के आ गई हूँ और इस वाले रूम में मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, सारिका के स्लीपर कैसे पड़े हुए हैं, घर में डालने वाली पहनती नहीं है पूरे दिन, जो मैंने पहन रखे ना पिंक वाले स्लीपर, पूरे दिन इनको पहन के घूमते रहते हैं। स्कूल से आएगी ना, मेरी स्लीपर दिखते ही मेरी पहन के शुरू कर देगी घूमना ये, और जब मैं ढूंढती हूँ तो फिर ये पहने मिलती है मेरे को। और अंदर वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है, तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। तो ये मेरा पोर्टमैट पड़ा हुआ था, मैं उसको झाड़ के ले आई हूँ बाहर, पार्किंग में मैंने झाड़ लिया है और अभी मैं लगा रही हूँ इस वाले रूम में झाड़ू। तो ये देखिए, स्लीपर वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब उनको मैं पायदान के ऊपर ही सारे रख दूँगी। और आप लोग हमारे पूरे वीडियो में बने रहे, मैं लगा लेती जब तक झाड़ू। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने झाड़ू लगा लिया है और आ गई हूँ किचन में। ये आलू लेकर आए थे हस्बैंड रात को, तो मैंने नहीं निकाले थे। और ये देखिए, अभी ना मेरे नीचे आटे का और चावल के डब्बे वगैरह जो रखे हैं उस पर ना थोड़ी मिट्टी सी जम गई थी, तो वही अभी मैं कपड़े साफ़ कर रही हूँ। वैसे ना मेरे को किचन के नीचे की भी सारा सामान हटा के सफाई करनी है, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ना एक बार फैला दूँ ना टाइम लग जाता है और बीच बीच में फिर अक्षु उठ जाती है, इसको लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखती हूँ, करना तो है ही मुझे एक बार, क्योंकि सारिका का बर्थडे भी आने वाला है, तो थोड़ी घर की और सफाई भी करनी है। धीरे धीरे एक ही काम करूँगी तभी मेरा निपटेगा। हाँ देखिए, मैंने सारा कर दिया। और ये ना मक्के का आटा लेकर आए थे हस्बैंड, हाँ, और हमने 2 किलो आटा लेकर आए थे, लेकिन हम लोग खाते कितना है, ज़्यादा नहीं खाते हम रोटी मक्के की, तो वही थोड़ी बहुत खाते हैं। तो अभी आटा हमारा बचा रखा है, मैंने ना डब्बे में नहीं निकाला था। तो ये देखो, चूहे ने क्या हाल करा, चूहे ने सारी पन्नी काट दी है, तो मैं अभी वही डब्बे में निकाल रही हूँ। तो उसमें डब्बे में डालने के बाद भी छोटा डब्बा रह गया, थोड़ा सा बच गया आटा, तो मैं इसको रख देती हूँ, शाम को देखती हूँ आज बना लूँगी मक्के की रोटी, खा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना कम ही खाते हैं हम, 2 लोग तो खाते हैं, कितनी खाते हैं, 2 रोटी खानी होती है।
तो ये निकाल दिया। और अभी मेरे ना किचन का भी सारा ऐसे ही काम पड़ा हुआ है, किचन भी अभी मैंने क्लीन नहीं करी है, तो अब मैं करूँगी किचन क्लीन। तो ये देखिए मेरे पहले बर्तन धो रही, क्योंकि बर्तन ना बहुत सारे हैं, सिंक एकदम भरी हुई थी मेरी, तो सबसे पहले मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अक्षु मेरी गोद में है, नीचे लिटा से रो रही है, और देखो मेरी गोद में कैसे आवाज़ें निकाल रही है। तो मैं जल्दी से धो लेती हूँ बर्तन, और आप लोग ब्लॉग में बने रहे मेरे। फ्रेंड्स अभी मैंने बर्तन जो है सारे धो लिए हैं, देखो दिख रहे होंगे आपको, सारे रख दिए हैं साइड में, और बाद में इनको लगाऊंगी। और अभी मैं करने लगी हूँ गैस वगैरह जो है वो उनको क्लीन कर रही हूँ कपड़े से, और ये स्लिप वगैरह है ना वो भी थोड़ा साफ़ कर दूंगी। और फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।